हेलो बच्चों, आज हम क्लास टू का चैप्टर आर फूड पढ़ेंगे। आर फूड से मतलब है हमारा भोजन। भोजन जो हमें पोषण देता है और हमें बड़ा होने में मदद करता है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं कि हमें खाना किन किन रूपों में मिलता है और हम उससे कैसे बड़े होते हैं। बच्चों, सभी जीवित चीजों को खाने की जरूरत होती है। All living things need food. We need food when we are hungry. Our body needs food to grow strong and healthy. Food gives us energy for work and play. Good food makes our bones and body strong. Our food comes from plants and animals. बच्चों, ये जो पौधों से हमें खाना मिलता है वो हमें फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रूप में मिलता है। और फूड ग्रेन्स कौन कौन से? जैसे राइस, ओट, वीट, ज्वार, मेज और मिलेट्स, ये सभी हम अपने खाने में पाते हैं। और फ्रूट्स तो आप जानते ही हैं, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल्स, पाइनएप्पल, बनाना एंड मैंगोज, और ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां जैसे कि पोटैटो, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रिंजल, अनियन, ग्रीन पीस, कैरेट, कैप्सिकम एंड लेडी फिंगर। ऐसे ही हमें खाना जानवरों से, पक्षियों से और मछली से भी मिलता है। हमें दूध काओ और बफेलो से मिलता है और दूध हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने में मदद करता है। दूध एक कंप्लीट फूड है, इसे नेचर्स वेलनेस ड्रिंक भी कहते हैं। दूध अच्छी टेस्टी चीजें बनाने में काम आता है, जैसे दूध से दही, बटर, लस्सी, बटर मिल्क और पनीर बनाया जाता है। और वो गर्मियों में आइसक्रीम और मिल्क शेक सभी को बहुत पसंद आता है ना बच्चों? सो स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू एंजॉय सम रिडल्स ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिडल्स यानी पहेलियां। द फर्स्ट रिडल इज, आई एम रेड, red red all the way, eating me saves your eyes, as the people say. मैं लाल रंग का हूँ, पूरा का पूरा लाल, मुझे खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, ये किस फल या सब्जी की बात हो रही है? एप्पल, कैरेट या टोमेटो? चलो देखते हैं क्या सही आंसर है। एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज कैरेट, गाजर। चलो बच्चों, अब मैं तुमसे एक और पहेली पूछती हूँ। आई एम वाइट, एज यू कैन सी, एल्डर्स एंड यंग वंस All drink me. मैं सफेद रंग का हूँ, जैसा कि मैं तुम्हें दिखता हूँ, बड़े और छोटे हर कोई मुझे पीता है, मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, ये किस चीज की बात हो रही है? कॉलीफ्लावर, मिल्क या एग? सोचो और जानो। बच्चों, हम यहाँ मिल्क की बात कर रहे हैं, जो सफेद रंग का होता है और सभी उसको पीते हैं। Now see the next riddle. When you cut me up,
I will make you cry. I smell really strong, but I don't know why. जब तुम मुझे काटते हो तो मैं तुम्हें रुला देता हूँ। मेरी गंध बहुत ही तीखी है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि ऐसा क्यों है। बताओ मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, ये किस फल या सब्जी की बात हो रही है? गार्लिक, ब्रिंजल या अनियन? सोचो और जानो। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ हम अनियन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्याज, जिसे काटने पर आंखों में पानी आ जाता है और जिसकी गंध भी बहुत ज्यादा तीखी होती है। नाउ इज द टाइम फॉर द लास्ट रिडल। आई एम येलो एंड लॉन्ग, आई एम अ फ्रूट। मंकीज लाइक टू ईट मी, इफ यू थ्रो मी ऑन रोड इट इज रॉन्ग। मैं पीले रंग का हूँ और लंबा हूँ, मैं एक फल हूँ। बंदरों को मुझे खाना बहुत पसंद है। अगर आप मुझे रोड पर या सड़क पर फेंक देते हो तो ये बहुत गलत होता है। बताओ मैं कौन हूँ? सोचो बच्चों, क्या ये बनाना है, पाइनएप्पल या मैंगो? Let's see who is going to answer me first. Wonderful! बिल्कुल सही। The right answer is banana. बच्चों, अभी हमने जिन riddles के बारे में पढ़ा, उनमें कई नए words हमने सुने और देखे। चलो अब उन words का मतलब जानते हैं। Save, बचाना। एल्डर्स, बड़े। यंग, छोटे। ड्रिंक, पीना। क्राई, रोना या आंसू निकालना। स्मेल, गंध। रियली, वास्तव में। लाइक, पसंद करना। बच्चों, भोजन हमें किस तरीके से तंदुरुस्त रखता है और हमारे लिए कितना जरूरी है, इसी बात पर आइए एक गाना सुनते हैं और इस गाने के साथ नाचना और गाना मत भूलना। बच्चों, अभी हमने देखा कि भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम अच्छे फूड हैबिट्स को अपनाएं, ताकि वो खाना हमारे शरीर को पोषण दे सके
और हमें बढ़ने में मदद कर सके। तो आओ अब कुछ अच्छी फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। प्लेस नैपकिन ऑन योर लैप। रुमाल को अपनी गोद पर रखें। डोंट वेस्ट फूड। खाने को बर्बाद न होने दें। डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग। खाना खाते वक्त आपस में बात न करें। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि इन अच्छी आदतों को आप तस्वीरों में कैसे समझ पाते हो। पहली तस्वीर में एक बच्चा हाथ धोते हुए दिखाई दे रहा है, यानी हमें खाना खाने से पहले और उसके बाद हाथ धोने चाहिए। अपनी गोद पर रुमाल रखकर खाना खाना चाहिए ताकि वो खाना हमारे कपड़ों को गंदा ना कर दे अगर गिर जाए तो। खाने को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। जितनी जरूरत हो और भूख लगी हो उतना ही खाना खाएं। जब हम खाना खाएं इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हम आपस में बात ना करें ताकि वो खाना चबा चबा कर खाया जा सके और हमारे शरीर को बढ़िया से पोषण दे सके। चलो अब कुछ और अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं। च्यू फूड प्रॉपरली। खाना बढ़िया से चबा के खाएं। कवर योर माउथ व्हेन यू बर्प। जब तुम्हें डकार आए तो अपने मुंह को ढक ले। वाइप योर माउथ विद अ नैपकिन। खाना खाने के बाद रुमाल से अपने मुंह को साफ करें। Keep your table clean. अपनी टेबल को साफ रखें। चलो बच्चों, फिर से एक बार
इन तस्वीरों में देखते हैं, क्या आपने सही आदतों को पहचान लिया? पहली तस्वीर में दो बच्चे खाना खा रहे हैं। देखो कितनी बढ़िया से खाना चबा रहे हैं, है ना? ये देखो, ये लड़की डकार आने पर अपने मुंह को हाथ से ढक रही है। डकार जानते हो ना आप? जब हमारा पेट भर जाता है तो अचानक मुंह से एक हवा निकलती है, जिसको हम डकार या बर्प कहते हैं। खाना खाने के बाद अपने मुंह को रुमाल से साफ करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से खाने की टेबल को भी साफ रखें। अगर स्कूल में खाना खा रहे हो तो भी अपनी टेबल साफ रखें और उस पर कुछ खाना ना लगने दें। Let's focus on some long and short sound, and we are going to do U vowel sound today. U. U long sound ko hum bolte hain cube mein. Cube. जहां यू की साउंड लंबी बोली जाती है। ट्यूब, क्यूट, फूल, यहां डबल ओ लॉन्ग यू साउंड देता है। लेट्स डू सम शॉर्ट यू साउंड। अह, जैसे टब, यहां यू की आवाज बहुत हल्की आ रही है। कब, कट, फुल। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि क्या आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग यू साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। इस तस्वीर में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसमें यू के अलग अलग साउंड है। कहीं पर शॉर्ट साउंड है तो कहीं पर लॉन्ग साउंड है। तो देखते हैं क्या आप इन साउंड्स को आइडेंटिफाई यानी पहचान पाते हो या नहीं। जग, ट्यूब, रूलर, हट, टब, क्यूब। देखते हैं किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। जग एक शॉर्ट यू साउंड देता है, ट्यूब लॉन्ग यू साउंड, रूलर लॉन्ग यू साउंड, हट शॉर्ट यू साउंड, टब अगेन शॉर्ट यू साउंड, cube, it's a long U sound. Let's start practicing some fill in the blanks. Carrot is a dash, fruit or vegetable. Onion is a dash, fruit or vegetable. We eat dash to live. Toys or food. Food that makes us strong is called dash food. Healthy or unhealthy. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि सही आंसर्स क्या हैं। Carrot is a vegetable. गाजर एक सब्जी है। Onion is a vegetable. प्याज भी एक सब्जी है। We eat food
टू लिव। हमें जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। फूड दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड हेल्दी फूड। वह खाना जो हमें मजबूत बनाता है उसे हम स्वस्थ भोजन यानी हेल्दी फूड कहते हैं। जानते हो बच्चों, खाना बनाने के लिए जिस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है उसे कुकिंग स्टोव कहते हैं। वी कुक फूड ऑन अ वैरायटी ऑफ स्टोव्स, और ऐसे ही स्टोव्स हमारे रसोई घर में देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको कुछ कुकिंग स्टोव्स की तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो पहले नंबर पर कुकिंग स्टोव है इसको तेल से जलाया जाता है, और जो दूसरे नंबर पर कुकिंग स्टोव है उसमें लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ये तीसरे नंबर पर कुकिंग स्टोव है इसके अंदर LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपके घर में कौन सा कुकिंग स्टोव इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही, तीसरे नंबर का कुकिंग स्टोव अधिकतर घरों में देखने को मिलता है। नाउ इज द टाइम टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट एक्टिविटी। बच्चों, ये 3D वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पेपर से ही बने हैं, है ना बेहद खूबसूरत? आप भी बनाना चाहोगे? तो चलो, सबसे पहले आप स्क्वायर 2 शीट्स लेंगे। अब क्योंकि मैं कैप्सिकम बनाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर की शीट ली है। इन दोनों स्क्वायर शीट्स को एक के ऊपर एक रखकर हम बीच से प्रेस कर देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब कैप्सिकम की साइड की जो शेप है उसको मैंने एक पेपर से काट लिया, लगभग आधी सेब जैसी, और इसको अब आप शीट पर रखकर पेंसिल से इसके आकार को ड्रॉ करेंगे। अब सिजर्स की मदद से इस शेप को काट लेंगे। ध्यान रहे, ये जो शेप आप काट रहे हो ये बिल्कुल पेंसिल के ऊपर से कटनी चाहिए। जैसे हमने अभी 2 शेप्स काटी हैं, इसी तरीके से आप कागज के और भी शेप्स काट लेंगे। देखो, मैंने पहले से ही कुछ शेप्स काट रखी थी। अब काम करेंगे हम इनको चिपकाने का। तो बहुत ध्यान से आप इस शेप को फोल्ड करके आप उस पे फेविकोल लगाएंगे और दूसरा कटआउट इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक इसी तरीके से बाकी के सारे कटआउट्स भी एक के ऊपर एक हम पेस्ट करते जाएंगे। ध्यान रहे, जब आप इन कटआउट्स को पेस्ट कर रहे हो तो सभी के सभी एक ही जैसे कटते हुए लगे, कोई भी कटआउट बाहर या कम ज्यादा ना रहे। ध्यान से इन कटआउट्स को हम पेस्ट करेंगे। जब ये लास्ट कटआउट हम पेस्ट कर रहे होंगे तो हम ध्यान देंगे कि हम इसको गोल शेप लेंगे और एक बॉल की तरह इसको पेस्ट करेंगे। देखो, जैसे मैं ये लास्ट कटआउट लगा रही हूँ, अब जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये एक 3D शेप बन गई है। इस पर पत्ती लगाकर आप बेहद खूबसूरत कैप्सिकम को देख रहे हो। इसी तरीके से नाशपाती, एप्पल और कैरेट भी बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप भी अपने घर में इन ब्यूटीफुल वेजिटेबल्स को बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और हाँ,
इनकी वीडियोस बनाकर अपनी टीचर को भी भेजना।